हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो खुशखबरी आ गई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। एमटीएस की और हवालदार की रिक्रूटमेंट जो है वो अनाउंस हो गई है, और उसके रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स है इसके लिए ये लेक्चर आपके लिए पेश है। तो सबसे पहले तो 2021 की जो रिक्रूटमेंट थी वो यही है। एमटीएस मल्टी टास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवालदार इन CBI CN CBN 2021। तो जो डेट्स हैं वो है 22 मार्च से लेकर 30 अप्रैल तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। 30 अप्रैल रात को 11 बजे तक। जनरली हम आज वी आर यूज टू 11:59 का टाइम, बट इधर जो है 11 बजे तक का ही टाइम है आपके पास। फीस जो है वो आप 2 मई तक रात को 11 बजे तक आप जमा कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चलन वो है 3 मई तक, और वो जो चलन है वो लास्ट टू लास्ट आप 4 मई तक आप भर सकते हैं, ठीक है। और अगर इस एक और अरेंजमेंट भी है आपके लिए कि अगर आपको कुछ चेंजेस लाने हैं आपके फॉर्म में, एडिटिंग करनी है, तो वो 5:05 से लेकर आप 9:05 तक कर सकते हैं। और एग्ज़ाम का डेट भी आपको साथ में दे दिया है, वो है July 2022, ठीक है। तो अभी अगर आपसे देखें तो आपके पास से 4, 5 और 6 3 महीने का टाइम है आपके पास। तो अभी जो है वैकेंसीज़ की बात करें तो हवालदार की वैकेंसीज़ 3,603 आपको दे दी गई है। MTS की वैकेंसीज जो है वो आपको बाद में नोटिफाई की जाएगी, विल बी इंटीमेटेड लेटर, ठीक है। रिजर्वेशंस की बात पे आ जाते हैं, तो वही अपना SC ST OBC PWD वो उस तरह सबका रिजर्वेशन रहेगा आपका। और क्रूशियल डेट जो है वो है 1 January 2022, यानी कि जो आपकी एज लिमिट जो है वो एज़ पर दिस डेट आपकी काउंट करी जाएगी। और इसमें एज लिमिट का जब तक सवाल आता है तो उसमें 2 ग्रुप्स हैं, 18 to 25 एंड 18 to 27। और उसके बाद अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए आपकी कैटेगरी के मुताबिक, तो ये रहे जो पूरे की पूरी कैटेगरीज हैं वो, तो उसके मुताबिक आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी एज़ पर योर कास्ट। तो बाद में आपको एक्स सर्विस मैन वगैरह के रूल्स भी दिए गए हैं। अब जो रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट्स जो है उसकी क्रूशियल डेट, यानी कि ये जो आप ओबीसी SC ST वगैरह के सर्टिफिकेट्स जो है EWS PWD के, वो कब कब के होने चाहिए, विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। यानी कि क्लोजिंग डेट जो है, लास्ट डेट आपकी फॉर्म की दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपके सर्टिफिकेट्स आपके पास रेडी होने चाहिए। लास्ट डेट जो है वो है 30th अप्रैल। जो आपके सर्टिफिकेट्स होंगे वो 30th अप्रैल 2022, उससे पहले के आपके पास होने चाहिए, ठीक है, उसके बाद के नहीं चलेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 30th अप्रैल 2022 बिफोर विल बी द क्लोजिंग डेट फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस। फॉर्म भरने से पहले पूरे नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लीजिए क्या अच्छे से, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन आपके पास हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि हमारे हर एक कमेंट का रिप्लाई कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोविजन ऑफ कंपल्सरी टाइम एंड असिस्टेंस ऑफ स्क्राइब। तो इसमें जो है आपको अगर स्क्राइब की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए क्या क्या आपके पास रूल्स है वो आपको दिए गए हैं, और कंपल्सरी टाइम के रूल्स भी दिए गए हैं। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है एज ऑन 30th अप्रैल 2022, यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आप, लास्ट जो डेट है उससे पहले आप मेट्रिकुलेशन पास होने चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। तो दैट इज़ ओनली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब आपको हाउ टू अप्लाई, नीचे एनेक्सर 3 और एनेक्सर 4 दिया गया है,
वो आपको देख लेना है फॉर्म भरने से पहले, ठीक है, सो दैट जहाँ पर आपको जो जो चीज़ आपके पास अगर नहीं है तो आपको अपने पास लेके आ सके बिफोर फिलिंग द फॉर्म। और ये जो पॉइंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी अभी आपको पता होगा कि सीजीएल का जो है वो स्टेटस आउट हुआ है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका फ़ोटो की वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है। तो फ़ोटो के लिए जो एसएससी वालों ने जो स्पेसिफिक गाइडलाइंस दिए हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये फोटो को लेके बहुत सावधानी बरती है क्या, क्योंकि एसएससी फॉर्म रिजेक्ट भी कर सकती है, ठीक है। फिर वही 30 अप्रैल से पहले हो जाना चाहिए फॉर्म फिलअप। फीस जो है वो 100 रुपये हैं, ठीक है, और रिजर्वेशंस एंड वेमेन कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग द फीस। ओके, बाद में आप अगर आपको कुछ ज़रूरत पड़े तो एप्लीकेशन करेक्शन के लिए भी विंडो खोला जाएगा। अभी ये आपको सेंटर्स दिए गए हैं कि भाई कौन सी रीजन में कहाँ कहाँ एग्ज़ाम के सेंटर्स हैं। स्कीम जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि पहला जो पेपर है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा, ठीक है। अगर आप हवालदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी देना होगा, उसके बाद आपको पेपर नंबर 2 देने मिलेगा। और अगर आप MTS के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बाद फिजिकल टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे पेपर 2 दे सकते हैं। अब पेपर 1 में जो है 90 मिनट्स आपको दिए हैं, ठीक है, इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, चारों सेक्शन के 25-25 मार्क्स दिए गए हैं आपको, और नेगेटिव में जो है वो है 0.25 मार्क्स। ओके, और द क्वेश्चंस विल बी सेट इन बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी इन पार्ट 2, 3 एंड 5, सॉरी 2, 3 एंड 4, यानी कि जो जनरल इंग्लिश वाले सवाल है वो इंग्लिश में आएंगे सिर्फ, और बाकी के जो 3 सेक्शन है उसके सवाल इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएंगे, और बाकी आपको बताइए कि भाई नॉर्मलाइजेशन जो है इसमें रहता है। और पेपर 2 जो है वो है क्वालिफाइंग नेचर का, एंड इससे आपकी एलिमेंट्री लैंग्वेज स्किल्स ही टेस्ट करी जा सकती है। तो बात का मुद्दे की बात यह है कि पेपर 1 में जो है आपको जितने हो सके उतने ज़्यादा मार्क्स लेके आना है, ठीक है, क्योंकि पेपर 2 जो है वो सिर्फ इन क्वालिफाइंग इन नेचर आपको बोला गया है इधर। हाउएवर मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन पेपर 2 विल बी यूज टू डिसाइड मेरिट इन केस मोर देन 1 कैंडिडेट स्कोर इक्वल मार्क्स इन पेपर 1, ठीक है। तो आपको दोनों का ध्यान रखना है, पेपर 1 एंड 2 दोनों का स्कोर आपको जितना हो सके उतना हाई लेके आना है, क्योंकि अगर आपके इक्वल मार्क्स हुए किसी के साथ तो पेपर नंबर 2 का स्कोर भी देखा जाएगा। और यहाँ पर सिलेबस दिया गया है आपको, इंडिकेटिव सिलेबस विच इज इंग्लिश रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। और पेपर नंबर 2 में जो है आपको राइटिंग आपकी टेस्ट करी जाती है। द पेपर विल बी सेट इन हिंदी, इंग्लिश एंड इन अदर लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन शेड्यूल 8। बाकी नीचे अगर आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा तो उसका आपको दिया गया है कि फिजिकल टेस्ट में क्या क्या आएगा। तो बहुत ही इजी पेपर रहता है इसका, पेपर लेकर लेवल में कुछ ज़्यादा होता नहीं है, और ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 10th मतलब 10th वाले ही अप्लाई करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया है कि द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव प्रेफरेंसेस ऑफ पोस्ट कम स्टेट्स, ठीक है। तो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तब आपको प्रेफरेंसेस देने हैं, और उसके उन प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलेगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, बाद में करेक्शन ना करना पड़े उस तरह से आप अपना
पोस्ट और स्टेट स्लैश यूटी सिलेक्ट कीजिएगा। फिर बाद में वही आपको फिजिकल टेस्ट वाला हवालदार में लागू पड़ता है और एमटीएस में लागू नहीं होता। ठीक है, एज ग्रुप आपको दिया था फ्रॉम ए वन ग्रुप, एक ग्रुप है 18 to 25, दूसरा है 18 to 27। दोस्तों यही है नोटिफिकेशन में, और एक नीचे फोटो का जो आपको स्पेसिफिकेशंस दिया है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि आप कोई भी फोटो डाल देते हैं फिर आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा आपको प्रोसीजर दिया गया है फॉर्म फिलअप करने के लिए, वो आपको ध्यान में रखना होगा। नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा जिससे और कुछ मिस ना हो जाए। लास्ट में इधर आपको दिया है कि फॉर्म में आपको क्या क्या फिलअप करना है आपके रेफरेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख ले रहे हैं और क्या क्या है इसमें। तो एक नीचे आपको दिया जाएगा ये सारे के सारे एनेक्सेस है, और यहाँ ये है आपका पोस्ट प्रेफरेंस। ठीक है, तो इधर आपको कोड्स दिए गए हैं, उस हिसाब से आपको कहाँ फिलअप करना है, इधर प्रेफरेंसेस ऑफ स्टेट्स स्लैश यूटी स्लैश सीसीएस। ठीक है, इधर आप सारे के सारे भी भर सकते हैं, 5 10 कोई भी भर सकते हैं। यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पर 5 फिलअप करके दिए गए हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका स्टेट का ऑर्डर डिसाइड करने के लिए। और स्पेसिमेन ऑफ फोटोग्राफ्स दिया गया है, ये ऐसे ही फोटोग्राफ्स एक्सेप्ट होंगे, और नीचे देख लीजिएगा चश्मे वाले फोटोग्राफ्स को रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, सैंपल ऑफ फोटोग्राफ्स विच आर नॉट एक्सेप्टेबल, इसमें क्या है चश्मे वाला फोटो नहीं चलेगा। ठीक है, तो सिर्फ या आपने गॉगल्स पहना हो या नंबर वाला पहना हो, तो ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा। अगर पासपोर्ट फोटो खिंचवा रहे हो तो चश्मे